हेलो एवरीवन, ये जो आप किट देख रहे हैं ये फिलिप्स और बिलिकॉन के टीवी में लगाई जाती है। ये रहा इस टीवी का फंक्शन आईसी। साथ में मैं आपको हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का नंबर भी बता देता हूँ। ये रहा आपके सामने हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो चलिए आज का काम जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन जो वोल्टेज हैं वो चेक करेंगे, क्योंकि ये जो टीवी है बिल्कुल ही डेड है, इसमें 110 की सप्लाई नहीं बन रही है। तो ये रही 300 के लगभग सप्लाई, और हम अब 110 की सप्लाई चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 110 की सप्लाई नहीं आ रही है। 110 की जगह यहाँ देखिए 26 27 वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ कोई शायद फॉल्ट होगा, तो ही यहाँ 28 27 वोल्टेज आ रहे हैं। हम सभी जो सप्लाइयाँ चेक करेंगे, टीवी स्टैंड बाई मोड में है तो थोड़ी थोड़ी सप्लाइयाँ जो है कम बनेगी, लेकिन जो मेन 110 की सप्लाई है वो बन जाएगी, तो हमारा जो टीवी है वो ऑन हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि 110 का जो जम्पर है वो निकाल लेते हैं, फिर टीवी ऑन करके 110 की सप्लाई चेक कर लेते हैं। अगर सप्लाई बन गई तो हमारा जो SMP या सप्लाई है बिल्कुल ओके होती है, लेकिन ये ऐसा फॉल्ट है कि SMPS की जो 110 की सप्लाई बनती है वो नहीं बन रही है। तो हम सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम डायोड जो है 110 का वो चेक कर लेंगे। तो ये देखिए डायोड की रीडिंग जो है वो सही आ रही है। तो ये जो डायोड है बिल्कुल ओके है, आप ध्यान से देखें। इस टीवी की अगर प्राइमरी सेक्शन की सप्लाई ओके होगी तो हम आगे का फॉल्ट निकालेंगे, लेकिन यहाँ जो फॉल्ट है प्राइमरी सेक्शन का बन रहा है, बहुत ही ब्रीक ब्रीक फॉल्ट होते हैं। हम इन फॉल्टों को निकाल के टीवी ठीक करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये 110 की जो लाइन है, यहाँ कोई कंपोनेंट ख़राब होगा तो उससे ये जो सप्लाई ड्रॉप हो रही है, तो हम उस फॉल्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो फिल्टर लगा है यानी कैपेसिटर लगा है उसे बाहर निकाल के चेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ने वीडियो को लाइक और शेयर करना है, साथ में ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये 110 की सप्लाई की जगह कैपेसिटर लगा है वो हमने बाहर निकाल लिया है। इसकी वैल्यू है लगभग 100 माइक्रो फारेड और 160 वोल्टेज का ये कैपेसिटर है। तो ये देखिए इसकी जो एक टांग है वो निकल गई है, ये जो कैपेसिटर है लीक हो गया है, इसी वजह से 110 की सप्लाई ड्रॉप हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जगह पे हम ये नया कैपेसिटर डालेंगे, सेम ही कैपेसिटर हम डालेंगे। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम किट में डालते हैं, फिर 110 की जो सप्लाई है वो चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई बनती है कि नहीं बनती है, हमारा जो फॉल्ट है ओके हो गया है कि नहीं, फिर हम आगे का फॉल्ट देखेंगे। अगर 110 की सप्लाई नहीं बनती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव का विशेष ध्यान रखें। ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो ये एक तरफ से ओके बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये शॉर्ट है। तो हम इसे बाहर निकाल के नया ट्रांजिस्टर डाल देंगे। तो हम इसमें 2499 का जो ट्रांजिस्टर वो डाल देंगे, फिर आपको हम वोल्टेज चेक कराते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को DC 200 वोल्टेज में सेट कर लिया है। तो चलिए हम सप्लाई चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो 110 की सप्लाई है वहाँ 61 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सप्लाई ओके हो गई है, क्योंकि हमारा जो टीवी है स्टैंड बाई मोड में है, तो स्टैंड बाई हम रिलीज करते हैं। तो देखिए 116 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, DC 116।
तो हमारा जो फॉल्ट है बिल्कुल ओके हो गया है। इस टीवी का जो बेस है वो जल गया है, ये काला हो गया है बिल्कुल ही, तो इसकी जगह पे हम नया जो बेस बोर्ड है वो डाल देंगे। तो ये रहा इस टीवी का बेस बोर्ड जो फिलिप्स कंपनी का है, तो हमने इस बेस बोर्ड को चेंज कर दिया है। फिलिप्स का जो बेस बोर्ड है इसे निकाल के हम इस टीवी में BPL का बेस बोर्ड लगा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने BPL कंपनी का इसमें बेस बोर्ड डाल दिया है। तो चलिए हम टीवी को ऑन करेंगे, तो हमारा जो फॉल्ट है बिल्कुल ओके हो गया है। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है ओके हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टीवी है ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रीक ब्रीक फॉल्ट होते हैं, इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज का हमारा जो फॉल्ट है ओके हो गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।